गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय सेल्फ दीक्षा लांबा। मैं आज बताऊंगी देश की उस जाति के बारे में जिसके पास जमीन, जिगर और जायदाद तीनों ही भरपूर मात्रा में है। और आपने यह तो सुना ही होगा कि जाट अपने कल्चर और रीति रिवाजों से बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं और उन्हें बहुत ही अच्छे से और दिल से मानते हुए निभाते हैं। इनके पास चाहे करोड़ों की जायदाद हो, परंतु यह सोना खाट पर ही पसंद करते हैं और ज़्यादातर जाट खाटों पर ही सोते हैं। कहा जाता है कि जाट दोस्ती दिलों और जानों से निभाते हैं और दुश्मनी में लोगों का काल तक बन जाते हैं। आइए अब हम देखते हैं जाटों का जन्म कहां से हुआ है। कुछ विद्वानों ने कहा है कि जाटों का जन्म भगवान शिव की जटाओं से हुआ है, जिसका उल्लेख देव संहिता नामक पुस्तक में हुआ है। आइए अब हम देखते हैं इसके पीछे की कहानी। एक बार भगवान शंकर के ससुर राजा दक्ष ने एक हवन का आयोजन किया, लेकिन भगवान शंकर को बुलावा नहीं दिया। जब इस बात का पता माता सती को लगता है तो वह वहां पर जाने की जिद करती है। तो भगवान शिव ने यह कहकर जाने देते हैं कि पिता के घर बिना बुलावे के भी जाया जा सकता है। जब वह अपने पिता के घर पहुंचती है तो वहां पर उनका व शिव का बहुत ही अपमान किया जाता है और भगवान शिव के लिए वहां कोई स्थान भी नहीं होता। जिस बात से दुखी होकर माता सती अपनी आहुति उस हवन में, उस यज्ञ में ही दे देती है। शिव को बहुत क्रोध आता है इस बात पर और उन्होंने अपनी जटाओं को खींचा और वीरभद्र का जन्म हुआ। अब शिव उन्हें सभी राजाओं का संहार और उस यज्ञ का संहार करने के लिए भेजते हैं। वीरभद्र वहां पर जाकर सभी राजाओं और राजा दक्ष को मार देते हैं। भगवान शिव बहुत ही ज्यादा क्रोध में होते हैं। देवता इस बात को देखकर बहुत ज्यादा दुखी होते हैं और वह भगवान शंकर को शांत करने में लग जाते हैं। जब भगवान शंकर शांत होते हैं तो वह राजा दक्ष को पुनः जन्म दे देते हैं और जो वीरभद्र जो राजा दक्ष का काल था, उन्हीं से कहा जाता है कि जाटों का जन्म हुआ। कुछ इतिहासकारों का कहना है कि जाट युधिष्ठिर का वंशज है। जब वह राजस्वी यज्ञ कर रहे थे तो श्री कृष्ण ने उन्हें ज्येष्ठ का पद दिया। ज्येष्ठ से जेठर और जेठर से जाट का जन्म हुआ। और कुछ इतिहासकारों का ऐसा भी कहना है कि जाट इंडो आर्यन है और ये सबसे प्राचीन है। आइए अब हम देखते हैं कि जाटों का हमारे इतिहास में क्या कुछ रहा है। साल 1660 ईस्वी में दिल्ली की सतह पर मुगल बादशाह औरंगजेब की हुकूमत कायम हो चुकी थी। औरंगजेब के काल में मुगल खजानों की बढ़ोतरी के लिए किसानों पर भारी कर लगा दिया गया। इस शाही आदेश के बाद देश के अलग अलग हिस्सों से जबरन टैक्स वसूला जाने लगा। तभी ब्रजभूमि के जाटों ने टैक्स कर देने से मना कर दिया और यह सब कुछ गोकुला जाट के नेतृत्व में हुआ। दिल्ली के तख्त को मना करने के लिए, गोकुला जाट को कैद करने के लिए भारी सेना को ब्रज की भूमि पर भेजा गया, परंतु वह नाकाम रही। इसके बाद उन्होंने ब्रज की भूमि पर 3 बार लगातार हमला किया, परंतु वह हर बारी नाकाम रहे। लेकिन दिसंबर 1659 ईस्वी में मुगलों और जाटों में फिर एक जबरन भिड़ंत हुई। इस बार सेना ने गोकुला जाट और उनके 1000 साथियों को कैद में ले लिया और बंदी बना लिया। बंदी आगरा लाए गए, जहां उनको आगरा के चौराहे में जिंदा टुकड़े काटकर मार दिया गया। इस घटना के बाद तो मानो संपूर्ण ब्रजभूमि पर किसानों का शोला उभर पड़ा। यहीं पर गोकुला के पुत्र राजा राम सिनसिनावार को नया राजा चुना गया और राजा राम ने एक सेना का निर्माण किया और सन 1681 के आगरा के निकट सिकंदरा पर आक्रमण कर अकबर के मकबरे को लूटकर अपने पिता गोकुला जाट की मौत का बदला लिया। इस हमले में जाटों ने मुगलों की बेशुमरद दौलत को अपने कब्जे में ले लिया और धीरे धीरे जाटों का रुतबा बढ़ता गया, उनके नाम की पहचान होने लगी। सिनसिनावार के पुत्र बदल सिंह ने आगरा के मुगल थाने पर आक्रमण करके ब्रज के बड़े इलाके पर अपना दबदबा कायम कर लिया। तभी जन्म हुआ जाटों के नायाब सितारे का, जिसने अपने शौर्य के ताप से भरतपुर में नए राज्य का निर्माण किया, जिसका नाम था सूरजमल।
वह बचपन से ही बड़े वीर, बुद्धिमान और गुस्सैल थे। छोटी सी उम्र में उन्होंने मेवात के मेवों पर हमला किया और वहां पे अपनी हुकूमत जमा ली। सन 1732 ईस्वी में पिता के कहने पर सूरजमल ने डीक के सोगरियों पर हमला कर दिया। वह डीक सहित एक बड़े राज्य पर कब्जा कर लिया। इसी समय एक विराट विजय के बाद सूरजमल ने भरतपुर में लोहागढ़ किले का निर्माण करवाया, जहां विधिवत रूप से सूरजमल का राज्याभिषेक हुआ। वह सूरजमल है जिसने दिल्ली के बादशाहों को दिल्ली में ही एक महीने तक कैद कर दिया था। जाटों के उपलातून के नाम से मशहूर महाराजा सूरजमल ने दिल्ली के अपूर्त मुगल खजाने को अपने कब्जे में ले लिया था। भागड़ू के युद्ध में सात राज्यों के सेना को एक साथ पराजित करके अपनी धौंक जमा ली। ब्रज के यह पहले शासक थे जिन्होंने मुगलों को अपनी शर्त मनवाने के लिए मजबूर कर दिया था। पानीपत युद्ध के बाद मराठों के सहायता के लिए अपने खजाने के भंडार खोल दिए थे। वो बड़ा वीर धीर गंभीर था जिसने शासक काल में जनता की सुख वैभव को शोभा के चार चांद लग गए। डीक भरतपुर के मैदानों से लेकर गंगा की घाटी तक और मेवात रोहतक से लेकर चंबल के धराओं तक के विशाल साम्राज्य पर महाराज सूरजमल की हुकूमत थी। वह दो हाथों में तलवार लेकर दुश्मन पर टूट पड़ता। ब्रज भूमि के हिंदुओं का गुमान था वो, 80 युद्धों के विजेता था वो, जिसके कारण उसे अजय योद्धा माना जाता है। थैंक यू। गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज़ शाइन कंबोज। आज मैं आपको देश की उस जाति के बारे में बताऊंगी जिसका वर्णन रामायण और महाभारता में भी हुआ है। कंबोज देश और कंबोज वंश का जिक्र महाभारत और रामायण में भी आता है। कंबोज या कंबो जाति एक ऐसी जाति है जो उत्तर भारत में रहती है और यह जाति भारत की सबसे प्राचीन जातियों में से एक है, जिसका जिक्र रामायण और महाभारत में भी मिलता है। जिसका मतलब ये हुआ कि कंबोज कुल द्वापर युग में भी था। आज के समय में कंबोज कुल के लोग हरियाणा, पंजाब, कुछ उत्तर प्रदेश व कुछ पहाड़ी राज्यों में बसे हैं। कंबोज जाति के प्राचीनतम इतिहास का जिक्र ग्रंथों में तो मिला ही है। दूसरा तथ्य जो इस कुल की प्राचीनता की पुष्टि करता है वो यह है कि कंबोज कुल में जन्मे लोगों की शारीरिक संरचना और बॉडी लैंग्वेज लगभग मिलता जुलता है और सदियों से एक जैसा ही है, यानी कि कंबोज जाति के डीएनए में ज़्यादा परिवर्तन नहीं आया है। शायद इसी वजह से यह एक बहादुर जाति मानी जाती है। शहीद ऊधम सिंह भी कंबोज जाति से ही थे। महाभारत और रामायण में कंबोज देश का जिक्र आता है, जिसकी आज के समय में लोकेशन अफगानिस्तान के हिंदू कुश पर्वत के आसपास मानी जाती है। प्राचीन ग्रंथों के मुताबिक कंबोज राज्य गंधार यानी कि कंधार के पास था, जहां अनेकों वीर कंबोज राजा हुए हैं और कंबोज राज्य का विस्तार किया है। सिर्फ इतना नहीं, ये भी माना जाता है कि महाभारत में कंबोज देश के एक राजा कौरवों की ओर से लड़े थे। प्राचीन ग्रंथों में मिले जिक्र के मुताबिक कंबोज देश में घोड़े और कंबल उन्नत किस्म के मिलते थे और देश के अन्य हिस्सों के राजा कंबोज देश से घोड़े आदि मंगवाते थे। इस जाति के कुछ विद्वानों के मुताबिक कंबोडिया भी कंबोज देश ही था, क्योंकि उस वक्त भारत और सनातन के अलावा कोई और धर्म या संस्कार मौजूद नहीं था। कुछ विद्वानों के मुताबिक कंबोज जनपद भारत के उस वक्त के जनपदों में से एक था। कुछ विद्वानों का मत है कि आचार्य चाणक्य के वक्त भी कंबोज जनपद था और उसे बाद में चंद्रगुप्त ने अपने अखंड भारत में शामिल कर लिया था। कंबोज जाति एक कबीलों में रहने वाली जाति थी और आज भी ऐसा माना जाता है, और कंबोज जाति आज भी अपने कबीले और परिवारों के साथ मेलजोल बनाकर रखने के लिए ही जानी जाती है। कंबोज विद्वानों के मुताबिक कुछ कंबोज कबीले मुगलों के अधीन आ गए थे और उन्होंने धर्म परिवर्तन कर लिया था, इसलिए आज भी पाकिस्तान, भारत के मलेरकोट और पश्चिमी यूपी के कुछ जिलों में मुस्लिम कंबोज रहते हैं। ज़्यादातर कंबोज आज भी हिंदू हैं और पंजाब में कुछ कंबोज सिख भी हैं।
कंबोज खुद को चौधरी कहलवाना पसंद करते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि पाकिस्तान में ज़मीन जायदाद ज़्यादा होने के कारण कंबोज लोगों को चौधरी ही कहा जाता था। ज़्यादातर कृषि आधारित परिवार होने के कारण कंबोज कुल के लोगों का खाना दूध दही घी रहा है और ये हजारों सालों से चला आ रहा है। इसीलिए कंबोज जाति के लोग निर्भीक मजबूत डिलडोर और शानदार व्यक्तित्व के स्वामी होते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि असल आर्यन नस्ल कंबोज कुल की है। थैंक यू। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का जो मेरा टॉपिक है आदित्य L1 पे है। तो जो हमारे इसरो हैं उन्होंने हाल ही में 2 सितंबर को ही आदित्य L1 लॉन्च किया हुआ है। जनरली आदित्य का क्या मतलब है? आदित्य का मतलब है सन। जितने भी सन से रिलेटेड जो भी कोई भी इंफॉर्मेशन है सारी की सारी वो कलेक्ट करेगा। तो आदित्य L1 जो हमारे जो इसरो के जो इसरो ने जो हमारा आदित्य L1 हमारा जो लॉन्च किया वो लैंग्रेज पॉइंट पे किया है। जो लैंग्रेज पॉइंट का मतलब है ये एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पर जितने भी जो दो मासिस बॉडी मासिस का जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है बिल्कुल जीरो होता है। और जो जो लैंग्रेज जो वर्ड आया वो हमारे इटालियन फ्रांसिस के एक मैथमेटिशियन थे जोसेफ लुइज लैंग्रेज उनके नाम से आया हुआ है। जो हमारे आदित्य L1 है ये हम जनरली जो स्टडी करेगा हमारे सन्स के अंदर जो सन के अंदर जो क्रोमोस्फेयर जो लेयर होती है कोरोना होती है और जितने भी सन फ्लेयर होती है ना टाइम टू टाइम इसकी स्टडी करेगा। और लैंग्वेज पॉइंट पे रखने का जो मेन मोटिव है ना हमारा इसरो का यही मोटिव है क्योंकि इस पर किसी भी प्रकार का कोई सोलर इक्लिप्स आ जाएगा ना तो उसको अफेक्ट नहीं कर पाएगा ये अफेक्ट नहीं कर पाएगा इसको। तो 24/7 और 365 डेज तक कोई भी बिना किसी दिक्कत के ऑब्जर्व कर सकेगा सन को। और ये हमारा 400 करोड़ का जो इस पर हमारा जो लागत आई है 400 करोड़ रुपये आई है और ये 5 साल का प्रोजेक्ट है हमारा और 125 दिन के अंदर ही हमारा मतलब वहाँ पे लैंग्वेज पॉइंट पे हमारा पहुँच जाएगा। और मेनली इसका जो ये मोटिव है मेनली जो इसका ये मोटिव है अपने आदित्य L1 का ये यही है। जितनी भी हमारी जो सैटेलाइट्स है हर साल जो इसरो लॉन्च करती है वो सन फ्लेयर के कारण बहुत ज़्यादा प्रभावित हो जाती है ख़राब हो जाती है। इससे बचने के लिए जो हमारे आदित्य L1 है उनको आदित्य L1 को हमने लॉन्च किया गया ताकि जब भी अगर सन फ्लेयर आ जाए तो उससे हमें पहले उससे पता चल जाए भी हमारी कोई सैटेलाइट ख़राब ना हो तो उससे पहले हम उसको मूवमेंट प्रोवाइड करवा दें भी आप अपनी सैटेलाइट या तो अगर कोई नई सैटेलाइट भेजनी हो तो थोड़ा टाइम रुक के भेजो अगर कोई मतलब अफेक्ट ना हो। मेन मोटिव यही है। और जो हमारा आदित्य L1 है ये जनरली 7 पे इसमें जो पेलोड्स है 7 पेलोड्स पे हैं 7 पेलोड्स हैं और जो 7 पेलोड्स हैं उसमें से एक पेलोड है विजिबल एमिशन लाइन क्रोनोग्राफ, एक है सोलर यूवी इमेज टेलीस्कोप, एक हमारा सोलर लो एनर्जी एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर, एक है हाई एनर्जी L1 ऑब्जर्वेटरी, एक है आदित्य सोलर विंड पार्टिकल्स और एक है हमारा प्लाज्मा एनालाइजर पैकेजेस फॉर आदित्य और एक है एडवांस ट्राईएक्सियल हाई रेजोल्यूशन डिजिटल मैग्नोमीटर। ये जनरली इसके सेंसर्स हैं जो डिफरेंट टाइप्स की विंड स्पीड्स को और उसकी लेयर्स को और हमारे जितने भी सन फ्लेयर्स हैं उसको स्टडी करेगा। और जो हमारे जो लैंग्वेज पॉइंट है जनरली हमारे 5 लैंग्वेज पॉइंट हैं L1, L2, L3, L4 और L5। इसके अंदर से जो 3 लैंग्वेज पॉइंट है वो स्टेबल हैं और जो हमारे दो लैंग्वेज पॉइंट है वो अनस्टेबल हैं। और जो हमारा जो अनस्टेबल है और जो हमारा जो ये आदित्य L1 का जो लैंग्वेज आदित्य L1 जहाँ पे हमने भेजा है जो लैंग्वेज पॉइंट पे भेजा है वो हमारे सन से 1.5 मिलियन किलोमीटर अवे है। बस सर इतना ही। वन नेशन वन इलेक्शन इज अमंग द क्रिटिकल रिफॉर्म्स इन द करंट सेंट्रल गवर्नमेंट्स एजेंडा। इन फैक्ट द फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रामनाथ कोविंद इन हिज एड्रेस टू पार्लियामेंट इन जनवरी 2018 मेंशन्ड दिस एज वन ऑफ द रिफॉर्म्स प्रपोज्ड बाय द गवर्नमेंट। ही सेड दैट सिटीजंस आर कंसर्न अबाउट फ्रीक्वेंट इलेक्शंस इन वन पार्ट ऑफ द कंट्री और अनदर व्हिच एडवर्सली इंपैक्ट द इकॉनमी एंड डेवलपमेंट। द प्राइम मिनिस्टर हैज स्पोकन एम्फैटिकली अबाउट द डिजायरेबिलिटी ऑफ हैविंग वन इलेक्शन अक्रॉस द कंट्री। देयरफॉर आइडिया इज not bolt from the blue. The central idea behind one nation one election is to synchronize the timing of Lok Sabha and state assembly elections across all states to reduce the frequency of polls throughout the country.
द बेनिफिट्स ऑफ हैविंग वन नेशन एंड वन इलेक्शन दैट फर्स्ट इज द फोकस्ड गवर्नेंस इट एनेबल्स द गवर्नमेंट टू कंसंट्रेट ऑन गवर्नेंस वंस द इलेक्शंस आर ओवर टुडे देयर इज सम इलेक्शन और द अदर इन सम पार्ट ऑफ द कंट्री एट लीस्ट एवरी थ्री मंथ्स द एंटायर अटेंशन ऑफ द कंट्री बिकम्स फोकस्ड ऑन दीज इलेक्शंस फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टर्स टू यूनियन मिनिस्टर्स फ्रॉम चीफ मिनिस्टर्स टू MPs, MLAs एंड पंचायत मेंबर्स everyone gets deeply involved with these elections as nobody wants to lose. Second was the reduced cost of elections. One of the main reasons for political corruption is frequent elections. An enormous amount of money has to be raised at every election. Election expenses of political parties can be reduced drastically if elections are held simultaneously. There would be no duplication of fundraising. This would save the public and the business community from a lot of pressure for election dominations multiple times. According to the report, during 2019 Lok Sabha elections, ₹60,000 crores were spent. The third was the reduced deployment of security forces. The large number of police personnel and paramilitary forces are engaged to ensure that elections are conducted peacefully. This involves massive redeployment involving huge costs. It also diverts key law enforcement personnel for their critical functions. Such development can be curtailed with simultaneous elections. The challenges associated with one nation, one election. Feasibility. Logistical challenges. It will pose logistical challenges in terms of availability and security of electronic voting machines, personnel, and other resources. Election Commission may face difficulties in managing such a massive exercise. Against the idea of federalism, the idea of one nation, one election does not square with the concept of federalism as it established on the notion that the entire nation is one, contradicting the content of Article 1, which envisages India as a union of states. We conclude that the government should not implement one nation, one election in a hurry. It should conduct additional study, evaluate the data, and solicit feedback from voters, opposition party leaders, and local parties on how to implement the concept. Hence, let India decide whether it needs one nation, one election to be implemented or not. So today's my topic is Informed Civil Code. The Informed Civil Code UCC refers to a single set of laws governing personal matters such as marriage, divorce, inheritance, and adoption for all citizens, regardless of their religion. The idea of an Informed Civil Code has been a subject of debate and controversy in India for many years. In this, we will discuss the Informed Civil Code and its significance in Indian society. The Constitution of India enshrines the principle of equality and secularism, and the Informed Civil Code is considered to be an essential element of these principles. The idea of a Uniform Civil Code was first proposed in the 1950s by the Law Commission of India, but it has not been implemented yet. Currently, different communities in India are governed by their own personal laws based on their religion. For example, Hindu laws governed by Hindus, Muslim laws governed by Muslims. The Informed Civil Code aims to provide a common platform for all citizens and promote gender equality. The current personal laws discriminate against women in many ways, particularly in matters of marriage, divorce, and inheritance. The Informed Civil Code would provide women with equal rights in these matters, irrespective of their religion. This would help in promoting gender equality and social justice. The Informed Civil Code would also promote national unity and integration. India is a diverse country with many different communities, and the Informed Civil Code would provide a common set of laws for all citizens. This would help in promoting national unity and integration and prevent the fragmentation of Indian society along religious lines. However, the Informed Civil Code has also been criticized by some people who argue that it would interfere with the religious freedom of citizens. They argue that personal laws are an integral part of religious traditions and should not interfere with. They also argue that Informed Civil Code would be difficult to implement and could lead to social unrest. In conclusion, the Informed Civil Code is an important issue in Indian society that needs to be addressed. It has the potential to promote gender equality, national unity, and integration. However, it needs to be implemented carefully and sensitively.
Taking into account the diverse religious and cultural traditions of India, the government needs to engage in dialogue with all the stakeholders and arrive at a consciousness on this issue. Thank you. My today's topic is urban planning. Urban planning is a process of guiding and directing the use and development of land, urban environment, urban infrastructure, and related ecosystem and human services in that way that ensures the maximum level of economic development, high quality of life, wise management of natural resources, and efficient operations of infrastructure. Now we will study that why urban planning is important. Urban planning is a forward thinking process where urban area are laid on basis of a set of objective defined by the state or territory in conjunction with local council. It affects our transportation system, infrastructure, and lay out and prescribe density of our residence, commercial and industrial area, and many more. Without such planning, our city quickly become inefficient and uninviting for residents and business alike. Urban planning is done on the basis of main five elements. These are path, node, edges, distance, and the landmark. These elements are the main factor for urban planning in any country or any city. After that, urban planning is divided in four parts, that is urbanization, suburbanization, counter-urbanization, or re-urbanization. Now we have to study that what does these four word means. Urbanization is a period where a settlement starts to grow as a result of physical and human factor. Suburbanization is a period where the city grows outside from its central core to spread out into the surrounding environment. Counter-urbanization is a period when large number of people and business moves from urban area to rural area and surrounding countryside areas. Re-urbanization is a period when movement of people back to an area which was previously in decline. This influx of people and investment improves social, economic, and environmental conditions of urban area. After that, urban planning has positive and negative effects on a country. The positive effects are urban planning leads to high standard of living associated with better food, better education, housing, healthcare, environment opportunities, improved transportation and communication. Poor plan urbanization leads to many negative impacts like pollution, health issues, communicable diseases, poor sanitization, congestion, high criminal rate, etc. Thank you. Good afternoon. I am here to speak about a topic we know of but not entirely, that is junk food. Yes, aren't we all eat more junk food more than unhealthy food without realizing what will be consequences. Junk itself means waste, and junk food also contain all the waste and unwanted additive and ingredient with high calorie because of fat and sugar that is added in abundance. It also like everything good that is required for the body to function properly as a proper quantity of protein, fiber, vitamins and minerals. Junk food, mostly fast and fast food, are easily available on the street. It is charged at a reasonable price, so even the young ones are buying without any issue. Junk is the word which we use for something which is trash and is of no use. Similarly, junk food is also a trash food that has very low nutrition value and which contains harmful saturated fats which do no good to our body. The westernization and modernization, which has happened in the last few decades, had completely changed our lifestyle. We have started living a life that revolves around a gadget. We hardly walk, we sleep late and we wake up late and get up late and we get whatever ready-made food available in the market. They made a person gain unnecessary fat and unnecessary fat which led to obesity, sugar and other health problems. Obesity can lead to medical issues such as diabetes, joint pain and heart disease. Several other problems which are caused by the junk food are constipation, bloating, hypertension, skin problem, memory deficit, dehydration of the teeth, etc. There are some alternatives to junk food. Whenever you are ulcer, try to eat sandwich with fresh ingredient. Instead of soda or cold beverage, try fresh fruit juice.
Wrap made of vegetable can be consumed when drunk in moderation. Buttermilk or lassi always beneficial to one health. In end, there is no great asset other than our health. If we wish to live a long and happy life, we should adopt a healthy lifestyle. Thank you. Today, my topic is LGBTQ. Until the recent years, same-sex relationship have been a criminal offence in India under the Article 377 of the Indian Penal Code. Same-sex relationships have been a problem with the government, not only in India but even in the other countries. But in India, the rules of the LGBTQ has changed over the times. In 1977, Shakuntala Devi passed her first judgment and published her first study on the homosexuals. And in 1994, after the publishment of the first study, they were given the voting rights. And in 2014, the Supreme Court of India put them under the third category of the people. In 2017, they were given the rights of the voting. And they have been given right to the protection in 2017. In today's society in India, LGBTQ people face several discrimination in society. First is social discrimination. They are not accepted by the society. They are discriminated in employment, in education, in workplace, in housing, in healthcare, and in every field wherever they go. Second is they have lack of representation. They are not represented in media, politics or governance. They are not in the mainstream of the society. This makes them difficult to raise their voice for the issues or their needs to be addressed. Third is the bracket health of mental issues. LGBTQ people are being discriminated on various bases, and that is the reason they are abused physically, verbally, they are bullied, they are harassed. This led to fear and insecurity in them that they should not express themselves in public and they should not walk along in the streets like other people do. The main is the unheard voices of ruler LGBTQ. Whenever they tell their parents that we are LGBTQ, their parents do not accept their children who are LGBTQ, and that is such a sick thinking that parents do not accept their children as who they are, but they force their children to become something that they are not. The main is the homelessness. Whenever they enter society, their parents restrict them from entering their home. They become homeless and they are not given apartments or flats on rents. People refuse to give them their space. What should be the way forward to deal with this problem of LGBTQ? Supportive policies and law. No doubt that government is definitely trying to help these people by giving some special provisions for them and introducing new laws and policies so that they can be protected as transgender individuals and they should be accepted for who they are. The next is aiming for better parenting. Parents should accept their children whether it's a LGBTQ or a normal person, and they should not be abnormal. They are just normal like any other person who is male or female. LGBTQ, male and female are all equal. So parents need to understand that children are their pride. They should accept their children even if they are LGBTQ. Third is some special treatment to equal treatment. LGBTQ people don't require some special treatment. They just need to be treated equally as a male or as a female get treatment. So these are the things that government and society should focus on, and they should accept each and every individual as they are without questioning them. Thank you.